हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी यूक्रेली जर्नी बहुत ही अच्छी चल रही होगी एंड आप बहुत अच्छे से यूक्रेली सीख रहे होंगे। तो आज जो हम सॉन्ग करने जा रहे हैं ये एक बहुत ही रिक्वेस्टेड सॉन्ग है। तो आज जो हम ट्यूटोरियल करने जा रहे हैं जिस सॉन्ग का वो एक रिक्वेस्टेड सॉन्ग है, इसके कमेंट्स आए थे तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक ट्यूटोरियल बना दिया जाए। तो गाने का नाम है की समझाइए, गाया है अमरिंदर गिल ने जो कि बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है। प्लीज इग्नोर दी बैकग्राउंड म्यूजिक ऑफ इंसेक्ट्स क्योंकि मेरे रूम के बाहर थोड़ा जंगल है तो कीड़ों की आवाज थोड़ी थोड़ी आती रहेगी आपको, तो उसको इग्नोर करिए और मेरी आवाज पे फोकस कीजिए। बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव इट्स कॉर्ड्स एंड स्टमिंग पैटर्न। मैं इस सॉन्ग के कॉर्ड्स की बात करूं तो सिंपल से हमें चार कॉर्ड इसमें यूज होने वाले हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि वो चारों कॉर्ड कैसे प्ले होते हैं। सबसे पहला जो कॉर्ड है दैट इज ई माइनर, जब हम उसको प्ले करेंगे उसकी आवाज ऐसी आती है। Then the second chord is F chord, third chord is D minor, the last chord is G chord. अगर आपको पता है कि इन कॉर्ड्स को कैसे प्ले करना है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो आई बटन पे मेरे वीडियो का लिंक है, आप वहां जाके आराम से सीख सकते हैं इजीली कि इन कॉर्ड्स को कैसे प्ले करना है। और अगर मैं आऊं इसके स्टमिंग पैटर्न पे, पूरा स्टमिंग पैटर्न एक ही है लेकिन इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, तो मैं आपको पास आके इसको धीरे धीरे समझाती हूं। डाउन अप चक डाउन अप डाउन डाउन अप, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा लेंथी इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। डाउन अप चक डाउन, फिर उसके बाद अप डाउन डाउन अप, जहाँ पे मैंने एम लिखा है इसका मतलब है चक मतलब म्यूट, तो आप वो ध्यान में रखिएगा। तो पहला जो सब पार्ट है उसका ये ऐसे आएगा डाउन अप चक डाउन, डाउन अप चक डाउन, ठीक है, डाउन अप चक डाउन, ये है फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो जो दूसरा पार्ट है वो है इसका अप डाउन डाउन अप, तो ऐसे का है कि ये पैटर्न नहीं बैठ रहा आपके हाथों में, तो जो मैं नॉर्मली हर एक सॉन्ग में मोस्टली अप्लाई करती हूँ ताकि ज्यादा चेंज ना करना पड़े, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लाइक ऐसे डाउन 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 अप डाउन 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 अप डाउन डाउन। प्रोग्रेशन की बात करूं तो कुछ पर्टिकुलर प्रोग्रेशन नहीं है, पैराग्राफ में थोड़ी सी कॉर्ड्स अलग हैं, मतलब कॉर्ड्स वही हैं चारों लेकिन प्रोग्रेशन अलग है और स्टार्टिंग वाले में थोड़ा सा अलग है। तो आप बस कॉर्ड शीट में यहाँ पे साथ साथ में दे रही हूँ आपको, पता है मैं कॉर्ड शीट साथ में रखती हूँ, तो आप बस इनको फॉलो करते जाओ कौन से लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग में कौन से कॉर्ड्स यूज है। सबसे पहला जो हमारा स्टार्टिंग में पैटर्न चलेगा प्रोग्रेशन में बता दूं वो होगा ई माइनर एफ डी माइनर जी, लाइक ई माइनर एफ डी माइनर जी, स्टार्टिंग की पूरी लाइन्स में यही चलेगा। पैराग्राफ में आपको बता दूंगी हल्का सा चेंज हो। सॉन्ग के साथ सबसे पहले मैं दो बारी फिलर दूंगी ई माइनर पकड़ के, दो बारी मतलब स्टमिंग पैटर्न दूंगी, फिर उसके बाद स्टार्ट करूंगी। अगला पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले ई माइनर पकड़ के जैसे मैंने पहले ही है स्टार्टिंग में। यार गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी में ट्यूटोरियल बनाना इज सो टफ क्योंकि फैन एसी सब ऑफ करना पड़ता है तब जाके ट्यूटोरियल बनता है। मतलब पहले वाला नहीं, मतलब थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, तो आप यूजुअली जो मैं यूज करती हूँ कर सकते हो। मतलब आपको बताया होगा कि अब जैसे नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होगा तो आप ई माइनर पे ही दो भरी फिलर प्ले कीजिए, ठीक। अब क्या हुआ कि मैं ई माइनर पे आ गई हूँ, ठीक है, वो प्रोग्रेशन प्ले करते करते डी माइनर जी डी माइनर जी उसके बाद ई माइनर पे, क्योंकि जो आगे की लाइंस हैं वो इसी पे आके स्टार्ट होंगी। अखियां लाके
आ गई पूरा पैराग्राफ प्ले करके। एक चीज और बताना चाहूंगी, जो ध्यान से देखना एंडिंग में ना, इनसे बिछड़े आता फिर उसमें मैं थोड़ा अलग करूंगी। कंटिन्यूसली प्ले कर रही थी, अब मैं थोड़ा ब्रेक ब्रेक कॉर्ड्स को करके दूंगी। ये मतलब दूसरा एक आइडिया है जो आप कंसेप्ट है जो आप अप्लाई कर सकते हो। जल्दी जल्दी ई पे आ जाना है, क्योंकि जब आप छोड़ोगे ऐसे तो आपकी कॉर्ड्स फिंगर्स हिल जाएंगी अपनी अपनी प्लेस से। आपको तो जल्दी से ई पकड़ना है और फिर से स्टार्ट होना है। आपके पास इससे अच्छे इसमें मतलब आपको इनोवेशन लग रहे हो कि इसमें हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से मोड कर सकते हो। तो हर एक जो पैराग्राफ है इसी का डुप्लीकेट है, तो आप सेम कॉर्ड सेम प्रोग्रेशन फॉलो कीजिए और इजीली इस सॉन्ग को प्ले कीजिए। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। अगर आपको पसंद आया तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां डीएम कर सकते हैं _navleen_kaur मेरा यूजर आईडी नेम। अगर आपको थोड़ी सी भी सपोर्ट मिलती है तो डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर दिस चैनल टू द अदर्स जो कि यूक्लेले सीखना चाहते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल, तब तक के लिए सीखते रहिए, यूक्लेले प्ले करते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।